हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ का जन जागरण अभियान राज्य संबंध। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय जन जागरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कुवानिया तहसील के खटामला गांव में 1 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाले जन जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष भवानी शंकर पालीवाल के सानिध्य में किया गया। सभा में प्रांत गौ सेवा प्रमुख सुरेश शर्मा ने अपनी उपज का लाभकारी मूल्य की मांग भारत सरकार से करने की बात की गई। इस बाबत किसानों को बताया कि समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य में बहुत बड़ा फर्क है। जब फैक्ट्री वाला व्यापारी अपनी फैक्ट्री की जमीन का व संसाधनों का किराया जोड़ता है तो किसान को भी अपनी जमीन का अपने संसाधनों का यथा बाढ़ कुआं पंप सेट आदि का किराया उपज में जोड़कर जो लागत आती है उसमें 50% लाभ जोड़कर किसानों को दिया जाए। इसके लिए 11 जनवरी को संपूर्ण भारत में सभी तहसीलों पर किसान संघ द्वारा धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। सभा में जिला मंत्री भुवनेश्वर शिमाली ने आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में तहसील केंद्र पर किसान जाएं और अपनी बात के लिए लाभकारी मूल्य के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। सभी की अध्यक्षता ग्राम समिति के अध्यक्ष चुन्नीलाल जाट ने की। संघ के जिला अध्यक्ष भवानी शंकर पालीवाल ने जानकारी दी कि खटामला पंचायत के चारों राजस्व गांव के अच्छी संख्या में लोग धरने में आएंगे। महिला प्रमुख पुष्पा पालीवाल, उदय लाल, रूप लाल, शंकर लाल, चंपा लाल, चेनाराम आदि किसान उपस्थित थे। जागरूक टीवी के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारुत की रिपोर्ट।